मैं भरत कपूर ओपन टू एक्सप्लोर से एलपी में एलाफूजा में आपका स्वागत है। मैं इस टाइम हूँ एलपी में और एलपी में इस टाइम मैं बैक वाटर्स में ट्रैवल कर रहा हूँ। ट्रैवल रोड से नहीं कर रहा, ट्रेन से नहीं कर रहा, मैं हूँ इस टाइम बोट में ट्रैवल कर रहा हूँ और बहुत ही सस्ती बोट में ट्रैवल कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की बोट में ट्रैवल कर रहा हूँ। सिर्फ 60 रुपये में ट्रैवल कर रहा हूँ बैक वाटर्स में। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि ये 1 घंटे का ट्रैवल है और मैंने स्टार्ट किया है एलपी से। एलपी मतलब एलाफूजा से। एलपी इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है बैक वाटर्स के लिए। अगर आप केरला आ रहे हैं, एलपी आ रहे हैं, तो बैक वाटर्स में राइड करना मत भूलना भाई। और इस टाइम मैं खड़ा हूँ अपर डेक पर। अपर डेक का मतलब बोट में 2 मंजिल हैं, मैं ऊपर वाली मंजिल पर खड़ा हूँ, फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा हूँ, और यहाँ से नज़ारा ज़बरदस्त आ रहा है। अभी आपको मैं नीचे जाके भी दिखाऊंगा, नीचे भी लोग बैठे हैं और साथ में राइट और लेफ्ट में दोनों तरफ गांव हैं। आप चाहो तो रास्ते में उतर भी सकते हो और इन विलेजेस को एक्सप्लोर भी कर सकते हो। और आपको ये हाउस बोट्स आती भी रास्ते में दिखाई देंगी, जिसमें आप 1 नाइट स्टे भी कर सकते हो, लेकिन वो काफ़ी महंगा पड़ता है। अगर आप एक से ज़्यादा लोग हो, 2, 3, 4, 5 लोग हो, तो आपको हाउस बोट सस्ती पड़ेगी। मेरे जैसे अकेले आओगे तो आपको महंगी पड़ेगी। और अब मैं आपको बोट का ग्राउंड फ्लोर दिखाता हूँ, मतलब लोअर डेक। इस टाइम मैं हूँ फर्स्ट फ्लोर पर, मैंने आपको बताया था, अब मैं जा रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर पर। चलो आप मेरे साथ। ग्राउंड फ्लोर पर मोस्टली लोकल्स ही बैठे हुए हैं जिन्होंने उतरना और चढ़ना है, जो टूरिस्ट हैं वो ऊपर बैठे हैं। यहाँ से मैनेज हो रही है, यहाँ से चला रहे हैं, और इसमें वॉशरूम भी बना हुआ है। आप देख सकते हो ये ऊपर अपर डेक में कम लोग हैं, टूरिस्ट ही बैठे हैं, और लोअर डेक में ग्राउंड फ्लोर पर लोकल्स बैठे हैं। क्योंकि मैंने ये बोट सुबह की ली है, 8:20 पर ये अपने स्टेशन से चल चुकी थी, तो इसीलिए रश कम है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा, रश भी बढ़ता जाएगा। लोग अभी सोए हुए हैं खा पी के रात को, जैसे वो उठेंगे सुबह ब्रेकफास्ट करके सीधा बोट की तरफ भागेंगे। इससे पहले वो भागे, आप आ जाओ और अपनी सीट घेर लो। हमने ये बोट बोर्ड करी है एलपी बस स्टैंड के पास। आप किसी भी ऑटो वाले को बोल सकते हो, भैया मुझे गवर्नमेंट वाली पे जाना है जिसमें 60 रुपये लगते हैं। तो मैंने ये टिकट ली है सी कुटनाड़ की। सी कुटनाड़ में जो बोट जाती है उसमें अपर डेक भी मिलता है, तो आप सी कुटनाड़ की ले सकते हो टिकट, जहाँ आप 1 घंटे में पहुँच सकते हो, फैमिली बच्चों सबको ला सकते हो। सिर्फ 60 रुपये की तो बात है, 60 जाना और 60 आना। और आप जब आओगे स्टेशन पर, आपको काफ़ी सारे प्राइवेट बोट्स वाले भी मिलेंगे कि आपको यहाँ ले जाते हैं या वहाँ ले जाते हैं। वो चार्ज करते हैं 2000 के आसपास, ठीक है जी। 2000 में आपको 3-4 घंटे घुमा लाएंगे। आप चाहो तो वो भी ले सकते हो अगर आप ज़्यादा लोग हो, नहीं तो आप ये भी ले सकते हो अगर आप कम हो या ज़्यादा, और सस्ते में सरकारी बोट में अगर आप इंजॉय करना चाहते हो मेरी तरह। और इसमें सफ़र करने के लिए आपको सिर्फ 60 रुपये एक तरफ के देने हैं। 60 रुपये में ये आपको एक तरफ 1 घंटा लेके जाएगी। वहाँ पहुँच के आप 60 रुपये की दोबारा टिकट लेके 1 घंटे बाद यहाँ वापस पहुँच जाओगे जहाँ से आप चल रहे हो। 60 रुपये की टिकट आपको किसी टिकट काउंटर से नहीं लेनी, आपकी सीट पर ही टिकट लेने कोई आएगा या आएगी। कई सारे स्टेशन आएंगे, लोग चढ़ेंगे उतरेंगे, और ज़्यादातर आपको टूरिस्ट भी मिलेंगे और साथ में लोकल्स बच्चे भी मिलेंगे जो आपको बाय कर रहे होंगे। और आप यहाँ पर बोट में आगे खड़े होगे, टाइटैनिक वाला पोज भी बना सकते हो, बस ये डूबे ना और सब ठीक है। तो आप सिंगल हो तो आप टाइटैनिक का पोज तो लड़के के साथ ही बनाओगे, ठीक है जी। और ये एक और स्टेशन आ गया। कितने अच्छे स्टेशन हैं छोटे छोटे। गवर्नमेंट ऑफ केरला इनलैंड नेविगेशन डिपार्टमेंट ग्रामीणा बोट जेटी, सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप होता है। 2 मिनट भी नहीं, बस बंदा उतर गया और चढ़ गया और हम चल पड़े।
बैक वाटर्स के साथ काफ़ी सारे अब धीरे धीरे होटल्स भी बनते जा रहे हैं, छोटे छोटे कॉटेजेस भी बनते जा रहे हैं, और इनकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है जो मुझे लग रहा है, क्योंकि ये बैक वाटर्स व्यू है तो भाई पैसे तो ज़्यादा लगेंगे। जैसा व्यू लोगे, चाहे आप व्यू देखो ना देखो, लेकिन आपको ऑनलाइन दिखा के वो पैसे ज़्यादा ले ही लेंगे। सीटें इतनी खाली हैं कि आप आराम से लेट भी सकते हो। अब 60 रुपये दिए हैं क्या, पूरी बोट को खरीद लोगे क्या? और स्टेशन से बच्चे स्कूल बोट पर जा रहे हैं, देखो बच्चे तैयार खड़े हैं बोट पर जाने के लिए स्कूल, बच्चे बोट पर स्कूल जा रहे हैं यहाँ पर। ये भी एक अजीब सी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है बोट पर स्कूल जाना, लेकिन कहते होंगे घर में कि मम्मी बोट आने वाली है, जल्दी करो, जल्दी तैयार कर दो, मेरा खाना पैक कर दो, मेरी नाव निकल जाएगी। खाली बोट है, आराम से बैठो, टांगों को ऊपर रख लो सीट पर और इन्जॉय करो वेदर को, इन्जॉय करो सीनिक व्यूज़ को। 60 रुपये दिए हैं, कुछ कम तो नहीं दिया। वो उतार देंगे ना जब, तब पता चलेगा बेटे 60 रुपये हाथ में पकड़ाएंगे, तू जा, तू ऑटो में घूम। आप बोट में बैठोगे, इतनी शांति है, इतना आपको सुकून मिलेगा कि आपको नींद भी आ सकती है। आप बिल्कुल अपना आराम से तसल्ली से सीनिक व्यूज़ देखते हुए, इन्जॉय करते हुए, वीडियो फोटोएँ सेल्फी खींचते हुए इस टूर को, इस ट्रिप को एंजॉय कर सकते हो। अब आप ये देखना है, रस्सा फेंकेंगे और बोट को बांध देंगे कि लोग आराम से चढ़ और उतर सकें। बांधा नहीं, बस पकड़ लिया इन्होंने, क्योंकि 2-4 लोग ही थे बस। तो बच्चों का स्कूल आ गया, यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल भी है, तो बच्चे अपने स्कूल पहुँच गए नाव पर, अब वो पढ़ेंगे। वो आपको दिखाई देगा अभी पीछे स्कूल, बोरा स्कूल। तो मैं उतर गया हूँ लास्ट स्टेशन पर, वो वाली बोट मैंने छोड़ दी है। मैंने कहा मैं पहले उतरूँगा, कुछ खाऊँगा, ब्रेकफास्ट करूँगा, फिर ही वापस जाऊँगा। और ब्रेकफास्ट करने के लिए एक यहाँ पर छोटा सा रेस्टोरों है, बहुत अच्छा सा रेस्टोरों है, वहाँ पर मैं आके बैठ गया हूँ। और मैंने यहाँ पर लिया है इडियप्पम, इडियप्पम जो चावल का बना हुआ होता है, राइस का बना हुआ होता है, साथ में है मटर की सब्ज़ी। ये चीज़ें यहाँ पर फेमस हैं, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ, पहले मैं खाता हूँ। इडियप्पम खाने का मैंने थोड़ा तरीका अभी जाना है। और जो मटर की सब्जी है, जिसमें आलू और प्याज भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये कोकोनट ग्रेवी में बनी हुई है सब्जी, मटर की, आलू और प्याज इसमें दिख रहे हैं, और साथ में इडियप्पम, ये मैं ट्राई करता हूँ। ये मैं पहली बार खा रहा हूँ, तो पहली बार खा रहा हूँ तो आपको दिखा रहा हूँ। पूरे चावल का टेस्ट आ रहा है, मतलब चावल को इडली की शेप में बनाया हुआ है। इसको पूरा इसमें डुबो लेता हूँ, फिर इसको खाता हूँ। टेस्टी है सही में, लाइट भी है। मटर की सब्जी भी बहुत टेस्टी है। सही मज़ा आ रहा है केरला के फूड का, केरला के खाने पीने का सही मज़ा उठा रहा हूँ मैं। पहले नाव में बैठता हूँ, फिर पानी में जाता हूँ, पानी से उतरता हूँ, नाव छोड़ता हूँ, खाना खाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अब मैंने लिया है एक वड़ा, जो मिला है टिश्यू पेपर के साथ, टिश्यू पेपर के ऊपर मिला है, खाना है उसी टिश्यू पेपर से हाथ धो के, हाथ साफ करके फिर उसको फेंक देना है। तो खाता हूँ वड़ा। वड़े के बाद मैंने मंगवाई है कॉफ़ी, और अब आ गई है कॉफ़ी। ओह बहुत टेस्टी है कॉफ़ी, तो बहुत बढ़िया सही में।
चाय और कॉफ़ी तो यहाँ मस्त मिलती है, और गिलास भर के मिलती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने सोचा थोड़ा गांव देख लूँ, यहाँ का कैसा है। ये आप देखो, ग्रीनरी, हरियाली, यहाँ छोटी छोटी आपको कई दुकानें भी मिलेंगी खाने के लिए। तो एक ही रेस्टोरेंट है, दुकानें आपको छोटी छोटी कई सारी मिल जाएंगी। और आप यहाँ पर आओ तो लास्ट स्टेशन पर उतर के नेक्स्ट आधे घंटे बाद जो बोट आएगी उसको बोर्ड करना, तो क्योंकि यहाँ का भी आपको एक फील मिलेगा। अब मैं भी खड़े होकर बोट का वेट कर रहा हूँ, बोट आएगी तो यहाँ से एलपी जाऊँगा। और अब मैं बोट में बैठ गया हूँ। ये बोट वैसी नहीं है जिसमें मैं आया था, ये नई तरह की थोड़ी छोटी बोट है, लेकिन लोग इसमें काफ़ी बैठे हैं, लोकल्स, तो एक नया एक्सपीरियंस नई बोट में। और आखिरी स्टेशन से एलपी जाने का किराया है सिर्फ 12 रुपये इस बोट का। आया तो मैं 60 रुपये में था, जा रहा हूँ 12 रुपये में, 72 रुपये में 4 घंटे बोट राइड मिल रही है आपको, और आप क्या ही लोगे। अगर अभी भी आपने कह दिया कि ये महंगा है तो मैं अभी बोट से कूद जाऊँगा। और अंकल जी जो मेरे साथ बैठे हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ है 11 जून 1940, तो ये 4 दिन बाद 82 साल के हो जाएंगे, 82 ईयर्स के हो जाएंगे। तो ये रोज़ ट्रैवल करते हैं इस बोट से, एंड बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, और मेरा भी एंड निकल गया था। वैसे तो मैं हिंदी बोलता हूँ, मेरा भी एंड निकल गया इनके साथ बैठे बैठे, क्योंकि ये अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, और ये मलयालम बोलते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, तो अच्छी बात है। इनके साथ ट्रैवल करके थोड़ी बातें शातें करके भी मज़ा आ रहा है। अब बोट में हो गई है काफ़ी भीड़, तो काफ़ी लोग खड़े भी हुए हैं, क्योंकि टाइम ऐसा है, मंडे है, तो लोग काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है, और हम हैं कि अभी तक वेले ही घूम रहे हैं, सुबह से वेले घूम रहे हैं 6 बजे से। तो बोट से घूम के मैं वापस आ गया हूँ, और आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही दो, ठीक है जी। और फिर मिलता हूँ आपको आने वाली वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।